बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। डिंडोरी में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 14 लोगों की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा था कि सामाजिक कार्यक्रम से वापस लौट के आ रहे थे सभी लोग। ये हादसा एक पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया और ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। ये घटना बिछिया बरझड़ गांव के पास हुई है। हादसे में डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने दुख भी जताया है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। डिंडौरी में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं उस हादसे में। यह हादसा बिछिया बरझड़ गांव के पास बताया जा रहा है। हादसा एक पिकअप वाहन के बेकाबू होने में हुआ जो कि बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं जिनका इलाज जारी है। वो सारे लोग सामाजिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तभी एक पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गया। हादसा बिछिया बरझड़ गांव के पास हुआ है जिसमें 21 लोग घायल हो चुके हैं। हादसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतक को दी जाएगी। हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिंडौरी में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। एक पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गया जिसमें 21 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। हादसा बिछिया बरझड़ गांव के पास हुआ। हादसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है और ये घोषणा की है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनको की जाएगी। सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तभी एक पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गया जिसमें एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया। 21 लोग घायल हो गए उसमें।